नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पोस्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। करछना गुरुवार को समाजवादी पार्टी का महिला सभा की अध्यक्ष फरिया सिद्दीकी के नेतृत्व में अपनी पूरी टीम के साथ डोर टू डोर मुगारी ग्राम सभा चिराई कपूरा आदि कई गाँव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विधायक उज्ज्वल रमण सिंह के लिए वोट मांगा और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई मुफ्त, इंटर पास बच्चों को लैपटॉप फ्री, राशन टोल फ्री, टैक्स फ्री, 33% नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को 1500 रुपये समाजवादी पेंशन, महिलाओं को आज सभी बातों को घर घर जाकर एक एक महिला को समझाया गया और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए निवेदन किया गया, जिसमें फरिया सिद्दीकी विधानसभा अध्यक्ष साधना यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष सुधा यादव, विधानसभा महासचिव कंचन कनौजिया, विधानसभा सचिव मंजू देवी, विधानसभा सचिव सोफिया सिद्दीकी, गुड़िया बेगम, शिबू बेगम, फैसल सिद्दीकी, सिफा सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज जिले से सुहेल अकरम की खास रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़। आज आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का प्रचार ग्राम सभा मुंगारी में डोर टू डोर कर रही हैं, किस तरीके से लोगों से मिल के क्या कह रही हैं? जी, आज हम समाजवादी पार्टी के प्रचार को लेकर निकले हैं। हम बेसिकली सरकार की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में, उन्हें समझाने में निकले हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नीतियों के बारे में पता नहीं रहता, तो हमें बेसिकली उन्हें पहले पता करवाना है। जो भी हमारे पत्र में जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, जो जो वादे किए गए हैं, बिजली मुक्त, शिक्षा मुक्त, पेंशन, सिंचाई, पढ़ाई, सभी को लेकर सारी नॉलेज आज हमने फैलाई और सभी घरों में जाके सबसे वोट मांगने की कृपा की। आप अपना परिचय बता दीजिए। हम फारे सिद्दीकी हैं, विधानसभा करछना की अध्यक्ष। आप लोग किसको सपोर्ट और किसके प्रचार में चल रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय उज्ज्वल रमण सिंह के लिए आए हैं और उन्हीं के प्रचार में। और 27 तारीख को अभी मत पड़ना है, वोट पड़ना है, तो किस तरीके गांव में जाके जो है डोर टू डोर आप लोग जाके लोगों को जागरूक किस तरीके समझा रहे हैं कि किसको वोट देना है या किसको सरकार बनाना है? हम लोग जाके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और समाजवादी ने जो इसके पहले सरकार से जो काम किए, जो अभी काम करने वाले जो घोषणा पत्र है, जैसे बिजली फ्री है, 1500 रुपये सामाजिक समाजवादी पेंशन है, सिंचाई मुफ्त है, पढ़ाई मुफ्त है, प्रदर्शन मुक्त है, ये सारी योजनाओं को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और समाजवादी की जितनी भी घोषणाएं हैं और सारी चीज़ें जो है कि जन जन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रचार में डोर टू डोर ग्राम सभा मुंगारी में आए हुए हैं, किस तरीके से लोगों को आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोट दें, किस तरीके से क्या कह रहे हैं आप? अभी अगली हमारी सरकार बनी थी तो जितना काम हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था उतना ही कार्य जो है हो रहा है अभी तक। जो उन्होंने जो है शिलान्यास किया था उसी का काम हो रहा है, कोई नया काम भी आज तक नहीं दिखाई दिया। लोग कहते हैं गुंडा पार्टी बोलते हैं समाजवादी पार्टी को, असली गुंडाई ख़त्म करने का काम तो जो है समाजवादी पार्टी ने किया था। जो पूरे प्रदेश में तहबजारी, उल जलूल, गाली गलौज दे करके तहबजारी वाले तहबजारी वसूल लिया करते थे, पूरे प्रदेश में तहबजारी ख़त्म करने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया था। और जो गुंडा पार्टी बोलते असली गुंडाई ख़त्म करने का काम तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जो 108 नंबर 100 नंबर पर ये एम्बुलेंस चला करके जो है 100 नंबर और जो महिलाओं के लिए 90 नंबर जो है चलाने का काम किया था, असली गुंडाई ख़त्म करने का काम तो उन्होंने किया था कि 100 नंबर डायल करो तुरंत, जहां कहीं भी जो है अराजकता हो वहां तुरंत पुलिस पहुंच जाती थी। असली नया काम ये भाजपा के लोगों ने नया काम कौन सा किया है? एक भी काम आप लोग बता दीजिए, नया काम कोई नहीं किया है। ये जो कोरोना काल चला है तब से जो है गल्ला झुनझुना देने का काम कर रही है भाजपा की सरकार, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो 5 साल पूरे अखिलेश यादव की सरकार ने गल्ला देने का काम करेंगे और उसके साथ 1 किलो देसी घी, राशन और जो है सारा चीज मुफ्त में मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं 403 सीट है, तो 303 हमारा है, बच रहा है 100 में भी मेरा आधा है। को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए,
इसलिए कि जो है अगली बार जो समाजवादी ये भाजपा की सरकार जब आई थी तो लोग बोले थे तो बायकवाड़ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ओबीसी को, सारे प्रदेश के ओबीसी और एससी के लोगों ने वोट दे करके दिया था इसलिए कि बायकवाड़ को प्रधान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये जुमलेबाज सरकार ने ओबीसी के लोगों को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज भी जो है नंबर आया तो उनको काट दिया गया, जोगी को मुख्यमंत्री बनाने का जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसलिए हम लोग सारे लोग मिल करके सभी, चाहे सवर्ण हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सभी लोग मिल करके अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे हम लोग। अमित शाह का वीडियो एक वायरल हुआ है, देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन होगा। अरे तब अनपढ़ है जो है, उनके बारे में क्या कहना है आपको? उनके बारे में ये कहना है कि वो तो भाई जिम्मेदार पद पर है जो है कुछ भी कह सकते हैं। जब उनको क्या ऐसा है इंटर के बाद भी 12 के बाद इंटर में एडमिशन हो सकता है? इंटर के बाद बोल रहे हैं 12वीं में एडमिशन लीजिए और जो है लैपटॉप दीजिए। हमारी अखिलेश सरकार ने पहले ही लैपटॉप बांट दिया था और फिर भी लैपटॉप बांटने की घोषणा की है अखिलेश सरकार ने। इंटर पास छात्रों को जो है जो बीए में एडमिशन करेगा उस छात्र को लैपटॉप देने का कार्य किया जाएगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। हम केशव प्रसाद विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी मेन बॉडी के कोषाध्यक्ष, विधानसभा कर्चना।